भारत सरकार वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग के दिशा निर्देश अनुसार क्रेडिट आउटरीच अभियान की प्रथम ब्लॉक स्तरीय कैंप तहसील प्रांगण धर्मपुरी में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा धर्मपुरी के समन्वयक में आयोजित किया गया। उक्त कैंप में ब्लॉक की समस्त बैंक शाखाओं द्वारा कुल 150 प्रकरणों में कुल 6 करोड़ का वित्त स्वीकृत विवरण किया गया, जिसमे से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा 3,50,000 करोड़ का वित्त पोषण किया गया। इस कार्यक्रम में अग्रिम जिला प्रबंधक बलराम बैरागी, CDM एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक MS यादव एवं नवागत क्षेत्रीय प्रबंधक गोपाल झबर द्वारा कार्यक्रम के संबोधन की में कैंप की जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों द्वारा ग्राहकों तक सीधे पहुंचना है एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न योजनाओं में ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना है। साथ ही इस कैंप में प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाओं का प्रचार प्रसार करना भी किया जा रहा है। धर्मपुरी ब्लॉक का प्रथम कार्यक्रम मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के शाखा धर्मपुरी के ग्रामीण श्री भागीरथ चौहान के सफल समन्वय में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक BS चौहान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सहभागिता की गई। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक को सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा प्रचार प्रसार में मीडिया का अहम योगदान बताते हुए पत्रकार संजय सोनी एवं पत्रकार जफर अली का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान भी किया गया। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। नाम मैं बलराम बैरागी, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया जिला धार। आज यह कार्यक्रम वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के निर्देशन पर, राज्य स्तरीय बैंकर समिति भोपाल के निर्देशन पर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन 16 अक्टूबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में हमें जनता को अवगत कराना है, उनके द्वारा बैंक से किस प्रकार जुड़ा जाना चाहिए, बैंक की शासकीय योजनाओं के अनुरूप जो जो कार्य योजना है, विशेष रूप से इस कार्य योजना में हमें सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जन धन खाते, जन बीमा, उसके लिए सभी हितग्राहियों को अवेयरनेस करना है। इसी क्रम में आत्म भारत निर्भर के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कृषि से संबंधित ऋण के बारे में हमें उन्हें जागृत करना है। और इस क्रम में इस धार जिले के प्रथम आउटरीच प्रोग्राम धर्मपुरी ब्लॉक में किया गया है। इस आयोजन में विभिन्न बैंकों द्वारा यहां पर अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न तरीके से सारे हितग्राही यहां पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री MS यादव साहब और मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के RM साहब श्री झंवर साहब भी उपस्थिति अपनी दर्ज की है। इस क्रम में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी अपनी स्वीकृति इस मंच के माध्यम से संवितरित की है। इसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने 3,40,65,000 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया है। मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के उच्च विशेष आला अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूं। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अभी यहां पर 7,80,000 का वितरण किया है, जिसके उनके 7 हितग्राहियों में उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। बैंक ऑफ इंडिया के 26 हितग्राहियों को यहाँ पर लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें 24 लाख रुपए का संवितरण किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भी यहाँ पर 10 हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया गया, उन्हें 10 लाख का ऋण दिया गया है। इसी क्रम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा भी कम से कम यहाँ पर 17 लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसकी ऋण की स्वीकृति की संख्या के अनुसार 50,24,000 रुपये प्रदर्शित की गई है। इसी क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 1,20,00,000 रुपए का ऋण शुगर कैन के लिए यहाँ पर स्वीकृत किया गया। कुल मिला के इस आज प्रथम आउटरीच कार्यक्रम में 125 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। टोटल 3,40,00,000 के लगभग का आज का ऋण वितरण यहाँ पर किया गया है। आप सभी के इस माध्यम से सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।